सड़कों बैठे हैं किसान दाता, वो अपनी मांग रख रहे हैं, उनको ये बिल्कुल ही सुन ही नहीं रहे, वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। रास्ता उनके पास वही है कि कोई ना कोई शाम दाम दंड भेद, लेकिन किसान इतना समझदार हो चुका है, आज उनकी हर चाल समझ रहा है, कभी करिए आतंकवादी, कभी करिए अब तो मौली कह दिया। विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, धन्यवाद करते हैं जो विपक्ष के नेता हमारी आवाज उठाते हैं। राजस्थान का जी फुल सपोर्ट एक्शन है इनको, शुरू से लेकर के अब तक की आगे उनकी अपनी राजनीति भी करनी है, जो बोलेगा बढ़िया रहेगा, नहीं बोलेगा उनको भी देख लेंगे। शांति आंदोलन चल रहे हैं जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं है, उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं है, ये पूरे भारत का है, एक दूसरे मेल मिलाप बढ़ रहा है और ये इसमें आंदोलन में और तेजी आई। जैसे भी होगा पूरा लड़ेंगे, 2024 से भी टपाना पड़ता है। अपनी पार्लीमेंट चलाई हुई है, तो अज सतवां जत्था रवाना होने जा रहा है। तुसी देख सकते हो वख-वख झंडिया के थले सारे ही अपनी जिहड़े कि इह सड़कां दे उपर खड़े होए ने, जाण लई तैयार ने। तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे आ, बेशक झंडे लगने पर एजेंडा एक है, सरकार दे नाल लड़ाई है। तो तुसी देख सकते हो सारे ही तैयारियां अपनियां खिंच रहे ने, जाण नूं एक पासे बसां खड़ियां होईयां, दूजे पासे इत्थों रवानगी कीती जा रही है इहनां दी। तां इत्थे राजस्थान MP बिहार UP गाजीपुर बॉर्डर इन्हां सारिया ही बॉर्डर तों 71 सिंघू बॉर्डर तों हो के किसान है जिहड़ा ओह संसद नूं कूच करदे ने। साडे नाल राजस्थान दे किसान भी खड़े ने, गलबात करांगे कि राजस्थान दे विच किस तरह दा अंदोलन चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राजस्थान से आया, राजस्थान में पहले तो जानना चाहते हैं कैसा माहौल है, कैसे आंदोलन चल रहा है। राजस्थान का जी फुल सपोर्ट एक्शन है आंदोलन को, शुरू से लेकर के अब तक ही, जैसे कि वहाँ पे हमारे शाहजहाँपुर बॉर्डर पर राजस्थान बहुत पहुंचे, हम यहाँ भी देखने आए हैं, एक दूसरे मेल मिलाप बढ़ रहा है और ये इसमें आंदोलन में और तेजी आई है। आप जा रहे हो साथ में? जी हम जा रहे हैं जी। कैसे देखते हैं कि कभी पहले इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि किसानों की पार्लियामेंट सरकार के बराबर लगी हो? पहले ऐसी निकम्मी और बहरी सरकार कभी आई नहीं कभी। हम तो ये हमारा मानना है कि किसानों इतने टाइम से जब सड़कों बैठे हैं, किसान दाता वो अपनी मांग रख रहे हैं, उनको ये बिल्कुल ही सुन ही नहीं रहे और ऊपर से ऐसे शब्दों से उनको कह रहे हैं, कभी कह रहे आतंकवादी, कभी कह रहे अब तो मौली कह दिया, बिल्कुल सारे पढ़े लिखे जी। राजस्थान में भी सरकार का विरोध किया जा रहा है पूर्ण तौर से, राजस्थान में भी बीजेपी सरकार का बिल्कुल अब तो उनका विरोध शुरू हो गया है, विरोध किया जा रहा है। हाँ जी, मैं गंगनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ अभी पिछले दिनों बीजेपी के जो आगू आए थे उनका किसानों ने जोरदार विरोध किया, वो मुकदमे लगा रहे हैं, वो करें, लेकिन विरोध चलता रहेगा। क्या लगता है कि किसान जो संसद कर रहे हैं इसका असर दिखने सरकार पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? नहीं, असर बिल्कुल पड़ रहा है, असर बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता उनके पास वही है कि कोई ना कोई शाम दाम दंड भेद, लेकिन किसान इतना समझदार हो चुका है, आज उनकी हर चाल समझ रहा है, उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, एकता बहुत बड़ी चीज है और शांति आंदोलन चल रहे हैं जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं है, उन्हें घुटने टेकने पड़ेंगे। उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो कहते थे ये पंजाब और हरियाणा का ही आंदोलन है, अब तो पूरे स्टेटों से समर्थन मिल रहा है, पूरे स्टेटों के किसान इस किसान संसद में शामिल होते हैं? हमने इसी वजह से राजस्थानी पहनावे में आखिर के ये संदेश दिया है कि राजस्थान के साथ खड़ा है जी, और मैं कहता हूँ जितने भी स्टेट हैं हिंदुस्तान में वो सब अपनी संस्कृति कल्चर के साथ, अपने वहीं के पहनावे के साथ आंदोलन आए और अपना सहयोग करें, ताकि उनको जवाब दिया जा सके कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं है, ये पूरे भारत का है जी। सो दर्शको तुसी देख सकते हो राजस्थान वाले किसान किन्ने वधिया तरीके नाल अपने पहरावे दे विच आए ने, तां जो उन्हां दा कहना कि जिस हिसाब दे नाल कहा जा रहा सी कि पंजाब ते हरियाणा दा आंदोलन है, वह अज देख सकते ने कि वड्डे तादाद दे विच पूरियां स्टेटां तों सपोर्ट मीडिया ते डेलीगेशन नवें नवें किसानी संसद दे विच शामिल हुंदे ने। बापू जी नाल गलबात कर लेने आ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बापू जी, अज सतवां जत्था रवाना किया जा रहा, तो अज केड़े एजेंडे दे तहत जिहड़ी की गलबात होएगी? अज MSP दे तहत गलबात होएगी। MSP दे एक MSP दी जदों तुसीं गल करदे तो डॉक्टर स्वामीनाथन दी रिपोर्ट दी भी जरूर नशर हुंदी है, खबर उन्हां दी भी सामने आउंदी है कि अज भी किसान मंग कर रहे ने कि सानूं डॉक्टर स्वामीनाथन दी रिपोर्ट है जिहड़ी उह लागू कर दित्ती जावे। क्यों उह रिपोर्ट ही लागू करन लई कहा जांदा है? क्योंकि उहदे विच साडे हक है जी, सानूं पता वी उहदे विच साडी जिहड़ी लागत खर्चा उहतों सानूं जिहड़ा ड्यूड़ा मतलब जिहड़ा उह आमदन सानूं मिलनी है, इस करके हुण तां
ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦਲੀਲ ਦੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਣੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੁਦਰਸ਼ ਕੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਕੈਸੇ ਲੱਗਤਾ ਸਾਤਵਾਂ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਨੇ ਅਸਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਅਸਰ ਹੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਹਾ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੀ ਸਮਿਤੀ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ ਦਿਆ ਗਿਆ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਨੇ ਦਿਆ ਗਿਆ ਵੋ ਬਤਾਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਲਾਭ ਦਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਪਾਰਟੀਓ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਆ ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਯੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਾ ਅਸਰ ਹੈ ਯਾ ਵੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੋ ਕਿਸਾਨ ਹਸਾਇਤੀ ਹੈ ਦੇਖਿਏ ਇਸਕਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਕਾ ਕਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਕੇ ਜੀ ਨੇਤਾ ਹਮਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਤੇ ਹੈ ਬੜੀਆ ਰਹੇਂਗੇ ਔਰ ਵਰਨਾ ਜੈਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਫਿਰੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਇਨਕੋ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਉਨਕੋ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋ ਕਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਨਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਨਕੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ ਜੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਇਹਨ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਸਭ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ देखिए कांग्रेस ने बनाया था ये उनका बहुमत नहीं था वो डर गए इनके बीजेपी का बहुत ज्यादा है क्या इन्हें लागू कर दिया सब एक हैं एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं कोई नहीं हमारा हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे दिन सरकार के घटने लग रहे हैं साढ़े तो कोई दिन वाला कोई दिक्कत नहीं सरकार के दिन घट रहे हैं और जैसे भी होगा पूरा लड़ेंगे तो 2024 से भी टपाना पड़ता है मन बना लिया बिल्कुल जी आपको लगता है कि इतना संभा लोग बैठेंगे यहाँ पे बिल्कुल 2024 तक भी नहीं हलते दो जी कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल क्यों आपको ऐसा लगता नहीं कि ये बिल रद्द होंगे या फिर 2024 तक आपको सरकार को गिरा कर ही बिल रद्द करवाने देखिए हम तो ये सरकार हो चुस्त अगली आ जाओ बिल तो हर हालत में गिरवा के वापसी करवाएगा जाएंगे जी हमने सरकार से भी कोई नहीं हम हमारी को दुश्मनी थोड़े है अगर आज बिल लागू हरियाणा में खत्म कर दे तो उनका धन्यवाद करते हैं हरियाणा में 15 अगस्त को लेकर ट्रैक्टर परेड की जा रही है औरतों की तरफ से इसके बारे में आपका क्या कहना है जो भी जथेबंदी का देश होगा उसके हिसाब से जैसे भी कहेंगे उसके हिसाब से ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7ਵੇਂ ਜਥੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੱਖੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ